नमस्कार, देख रहे हैं आप TV24 नेटवर्क। मैं हूं दीप्ति पाल। देश भर में ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। पुलिस प्रशासन भी इस पर नकेल कसने में जुटी हुई है। इसके बावजूद भी साइबर क्रिमिनल्स को जरा भी खौफ नहीं दिखाई दे रहा है। अब ऐसा ही मामला एक सामने आया है इंदौर से। यहाँ एक व्यक्ति को केदारनाथ में हेलीकॉप्टर से दर्शन कराने का झांसा देकर जालसाज ने 1,35,000 रुपये ठग लिए। एडिशनल DCP आलोक शर्मा ने बताया कि शिकायतकर्ता एक व्यक्ति ने हेलीकॉप्टर टिकट बुक कराने के लिए एक दूसरे व्यक्ति से ऑनलाइन संपर्क किया। जालसाज ने टिकट के लिए 1,35,000 रुपये ट्रांसफ़र करने के लिए राजी भी कर लिया। ट्रांसफ़र के बाद जालसाज ने टिकट बुक तो कर लिए, लेकिन तुरंत ही उन्हें कैंसिल भी कर दिया और पूरी रकम आरोपी के खाते में जमा हो गई। जब पीड़ित ने जालसाज से दोबारा संपर्क करने की कोशिश करी तो आरोपी ने अपना फ़ोन बंद कर लिया। इसके बाद पीड़ित ने घटना की सूचना राव पुलिस को दी, जिन्होंने जालसाज के खाते को फ्रीज करा दिया। हालांकि आरोपी ने पैसे कहीं और ट्रांसफ़र कर दिए थे। साथ ही एडिशनल DCP आलोक शर्मा ने बताया कि Zone 1 के सभी थानों में साइबर डेस्क स्थापित किए गए हैं ताकि पीड़ित को शिकायत दर्ज कराने पर तुरंत ध्यान दिया जा सके और कानूनी कार्रवाई की जा सके। साइबर डेस्क पर रोजाना शिकायतें आती रहती हैं और पुलिस साइबर धोखाधड़ी को सुलझाने और रोकने का प्रयास करते रहते हैं। फिलहाल के लिए अभी इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए TV24 नेटवर्क से।